गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपना किचन मेकओवर अंडर 5,000 रुपीज। यस, यू हर्ड इट राइट, 5,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। और बिकॉज मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ तो ये बेसिकली रेंटल फ्रेंडली है। लेकिन अगर आपका खुद का घर भी है और आप अंडर बजट में मेकओवर करना चाहते हैं, आप बोर हो चुके हैं अपने करंट फर्नीचर से, यू कैन डू दिस एज वेल। तो मेरा ये जो मेकओवर है ये बहुत ही ज़्यादा रेंटल फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा इन बजट है और बहुत ही इजी है। सो इस वीडियो में लेकिन मैं अपना जो किचन का टूर है वो दूंगी, बट हाउ आई ऑर्गेनाइज माय किचन वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। मैंने अपना पूरा किचन जो है वो रीअरेंज किया हुआ है, मतलब पूरा मतलब नहीं, अंदर जो भी बॉक्सेज एंड डब्बा डब्बी एंड ऑल दैट ये सब होता है, ये मैंने रीअरेंज किया है और विच इज स्टिल इन प्रोसेस, जो कि अभी भी प्रोसेस में है। तो मैंने मेकओवर कैसे किया है 5,000 के अंदर बजट में, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो राइट नाउ ये है मेरा किचन सतरंगी कलर का, ये वुडन कलर की शेल्स हैं, देन रेड कलर का माइक्रोवेव है, मरून कलर का फ्रिज है, रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, वॉल्स पे येलोइश क्रीमिश कलर है। सो यू नो इट बहुत अजीब लगता है, ये मुझे खुद को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट हाँ ये है कि मैं क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ तो ठीक लगता है। बिकॉज मैं रेंटेड अपार्टमेंट पे रहती हूँ तो मैं डेफिनेटली अपने वॉल्स को पेंट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं काफी रिस्ट्रिक्टिव तरीके से मेकओवर करूंगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकओवर इज, अगर जैसे मेरे लैंडलॉर्ड हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपने ये इस तरह के जो प्लैंक्स हैं इनमें क्यों मेकओवर करा, इसमें क्यों ये सब चीजें लगा दी, तो जब भी मैं छोड़ करके जाऊंगी घर तो मैं इन सबको इजीली निकाल सकती हूँ, रिमूवेबल होता है, बट डेफिनेटली नॉट रीयूजेबल, रीयूज नहीं कर सकते आप इसको रिमूव करके। ऊपर वाले जो आपको शेल्फ दिख रही है उसमें तो विक्की मेरी हेल्प कराने वाला है, बिकॉज ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, जल्दी करना हो मेरे से भी जाएगा बट टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से मेकओवर। सबसे पहले वी नीड दिस टाइप ऑफ शीट्स जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। ये जो शीट्स है ये मेरे पास बैंगलोर से मैंने लिया है, अगर आप बैंगलोर से नहीं लेना चाहते हैं तो अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो जिस पे भी इस तरह की शीट्स अवेलेबल है उन सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। तो आप प्रॉपरली मेजरमेंट ले करके, इसके लिए आपको डेफिनेटली मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेजरमेंट ले लीजिए और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से कटिंग करनी पड़ेगी जहां पर भी आपको लगाना है। सो राइट नाउ मुझे इसके ऊपर शीट्स लगानी है, तो पहले तो मैं ये जो हैंडल्स है वो निकालूंगी। तो हैंडल्स निकालने के लिए मैंने ये मिनीसो से मैं लेकर के आई थी, तो दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर और काफी सारे मल्टीपल इसमें हैं और इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली हो जाता है। आपने अगर कभी नहीं भी किया ये चीज तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। इज हेल्पिंग अस टुडे एंड वो ऊपर वाले कैबिनेट्स लगाएगा और मैं नीचे वाला। गाइज लुक एट दिस, ये यहाँ से मैंने इसको कट किया है,
तो ये अब मेरे को इतना हैबिट हो गया कर करके कि आप इसको देख ही नहीं सकते हो, एक भी ना तो बबल आया है ना ही ये बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है अनइवन सरफेस, तो इट लुक्स परफेक्ट। ये इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लाई बोर्ड ही है इस तरह का है। सो दिस इज एक्स्ट्रा, तो इसको हमको कट करना है नाइसली। तो ये जो हैंडल है मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो कितना ग्लॉसी एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं अगेन जो हैंडल है वो यहाँ लगाऊंगी। हे गाइज, वी आर ऑलमोस्ट, काफ़ी सारा आपको दिख रहा है पीछे एंड इधर पे इज इन प्रोसेस, आधा आधा हम कर रहे हैं, बहुत सारी बहुत टाइम लग रहा है इसको करने में। फर्दर आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में 2 मिनट का एक सेशन छोटा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी सारी बार मीशो के बारे में आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ, लास्ट काफ़ी सारे डिटेल्ड वीडियोस मैं उसके ऊपर बना चुकी हूँ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको इन डिटेल्ड वीडियो देखना है। तो मीशो एक बेसिकली इंडियाज लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है। अगर आप घर बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपना मेन इनकम भी इसके थ्रू कर सकते हैं एंड पार्ट टाइम इनकम भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको घर बैठे बैठे ही जो प्रोडक्ट्स मीशो में दिए रहते हैं, बहुत सारी रेंज के प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं, चाहे वो होम डेकोरेशन हो, क्लोथ्स हो, फुटवेयर हो, बैग्स हो, रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स इसमें चीज़ें दी रहती है, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, इवन आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मीशो में अवेलेबल हैं बहुत अच्छे ब्रांड्स के। तो आप वो देखिए और सिलेक्ट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल मीडिया साइट्स पे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पेज बना के। जो वो जो प्रोडक्ट आपने रीसेल किया है उसका जो मार्जिन है, प्रोडक्ट मार्जिन है, वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। तो इसके थ्रू काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और आप भी चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है और कुछ आपको नहीं लगेगा इसमें। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो चेक कर लीजिएगा, उसमें लिंक दिया रहेगा तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मेरे जो डिटेल्ड वीडियो है मीशो के वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं एंड साथ में अपना जो बिजनेस। Thank you.
दिस इज माई राइट हैंड साइड डायरेक्शन. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो ये एक नॉर्मल सा शेल्फ था जिसको हम लोगों ने, आप देख सकते हैं किस तरह से कन्वर्ट किया है. और उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारा मंदिर है छोटा सा. तो ये हमारे भगवान हैं और यहीं पर मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, जो ये सब मेरे पास इस टाइप का जो तांबा होता है उसका था ये, बट वो सब मैंने चेंज करके स्टील में कन्वर्ट किया. बिकॉज तांबे को एक तो क्लीन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये इस तरह से थोड़े थोड़े दिनों में काला हो जाता है, तो आपको हर 15-20 डेज में उसको बहुत घिसना पड़ता है. तो ये बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है, तो दैट्स वाई आई चेंज्ड एवरीथिंग इनटू स्टील. और यहाँ पर भगवान का छोटा मोटा स्टोरेज है और यहाँ जो डेली यूज़ की पूजा की चीज़ें हैं वो इसमें रखी हुई हैं. और ये हमारा छोटा सा मंदिर है. देन मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पर आप आएंगे तो ये हम लोगों का फ्रिज है. फ्रिज के ऊपर मैंने एक इस तरह से साइकिल रखी हुई है और उसमें फ्लावर रखा हुआ है. और आप उसके पीछे ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ऑयल कैन है वो है. तो वो मैं ऐसे, मैंने क्योंकि और कहीं जगह नहीं है तो वो ऐसे रखा हुआ है कि वो दिखता नहीं है, इस पे पीछे छुप जाता है तो एकदम से नज़र नहीं जाती उसके ऊपर. एंड अब आते हैं इसके ऊपर वाले सेक्शन में. तो ये दो स्टोरेज बॉक्सेस हैं, इसके अंदर बहुत सारी दालें, स्पाइसेस, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज कर दी है. पहले मैं इसमें रखती थी बट अब मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है. तो मैं धीरे, थोड़ा बजम सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए उसके बाद मैं टूर दूंगी इसका भी प्रॉपरली कि हाउ आई ऑर्गेनाइज. देन उसके नीचे आते हैं तो ये है नैपकिन होल्डर जो हमने लगाया हुआ है, अमेजन से परचेज किया है. हर चीज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी. देन दिस इज अगेन अ रैक. ये रैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यूटिलिटी रैक. आप देख सकते हो ये इतनी ज़्यादा स्टर्डी है. आई डोंट नो, जब मैं ये वीडियो बनाया था तब बहुत सारे लोगों ने बोला था दिस इज़ नॉट स्टर्डी. गाइज मेरे इसके ऊपर आप देख सकते हो इतना हैवी सा फूड प्रोसेसर रखा हुआ है. देन ये रोटी का डब्बा है जो हम डेली की रोटी बनाते हैं उसमें रखते हैं और बाकी की सब्जी वगैरह तो इसके अंदर स्टोर हो जाती है. देन तो ये कैनस्टार का माइक्रोवेव है, उसके ऊपर मैंने ग्लास की दो लिड्स रखी हुई हैं बिकॉज इसको रखने की कोई स्पेस नहीं था, दैट्स वाई. थिक कुछ शीट होती है वो मैंने लेकर के लगाई है. एंड देन यहाँ पर ये माइक्रोवेव का ही है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से दो प्लांट्स लगा करके रखे हैं. दिस इज़ लकी बैम्बू और ये मनी प्लांट है. और सर का जो मिक्सिंग कंटेनर है वो मैंने यहाँ रख रखा है. और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ दो चॉपिंग बोर्ड है, एक वुडन वाला है और ये मेयर का है जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है. वाटर फिल्टर रखा हुआ है. और ये जो नीचे यूनिट है तो इसके अंदर आटा स्टोर्ड है, डेली का आटे के डब्बे स्टोर्ड हैं. देन इसके अंदर मेरी क्रॉकरी स्टोर्ड है, इसके अंदर हमारा वैक्यूम क्लीनर स्टोर्ड है और इसमें माइक्रोवेव से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, हैंड ग्लव्स वगैरह, वो सब इसमें स्टोर्ड है. देन इसी के साइड में हम लोगों की डस्टबिन रखी हुई है. देन डस्टबिन के साइड में आप देखेंगे तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत छोटा है. अगर ये एल शेप का होता ना तो इट वुड बी परफेक्ट, बट ठीक है, इसी में काम चलाना पड़ता है. तो इसके नीचे सिर्फ तीन स्लाइडर्स दिए हुए हैं, एक स्टोरेज है और एक स्टोरेज है. तो यहाँ पर हम लोग हमारा अनियन, देन पोटैटो, उसके बाद जो शॉपिंग ग्रॉसरी बैग्स होते हैं वो सब इसके अंदर रखा हुआ है. अब यहाँ पर ऊपर आते हैं. एक्चुअली ये घर में काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ है, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ तो दैट्स वाई थोड़ी थोड़ी जो सीरन है बिकॉज बारिश का टाइम है तो आई कांट हेल्प इट आउट. तो प्लीज़ अवॉइड दिस सीलन जो हो रही है वॉल पे. तो ये हम लोगों ने भी रिसेंटली लगाया हुआ है, ये हम भी लोगों ने फिक्स करवाया है. तो इस पर मैं ऊपर आप देख रहे हैं स्पैचुलाज हैं, यहाँ पर ऑयल का कैन है और ये घी का कैन रखा हुआ है. बिकॉज ये पहले मैं यहाँ रखती थी बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता था तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर रखा. और ये वाटर बॉटल्स हैं जो हम लोग डेली की यूज़ करते हैं. और कुछ वाटर बॉटल्स यहाँ पर प्लास्टिक की भी हैं जो कि टप्पर वेयर की हैं. तो अगर हम, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमको कैरी करना ही पड़ता है प्लास्टिक की बॉटल, ना जाते हुए भी, पर एटलीस्ट बिस्लरी ना परचेस करके हम लोग वो कैरी कर लेते हैं. तो हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लांट इज फ्लरिश्ड एंड नरिश्ड, ये बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो कर रहा है एंड इवन इसका शेप भी बहुत सुंदर आ रहा है. इसकी मैं कटिंग करती रहती हूँ. ऑल्दो देन ये हमारी गैस स्टव है, स्पाइस जार्स ये मैंने चेंज करा है. तो ये सारे स्पाइस जार्स 99 में 100 आते हैं, ये मैंने इस तरह से चेंज करा है. और प्लास्टिक वाला जो है वो सब हटा दिए हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हो. और सबके ऊपर मैंने टैग्स लगा दी. तो जो खड़े गरम मसाला है जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं वो सब ऊपर वाले शेल्फ में है. और जो डेली यूज़ होता है, लाइक बहुत सारे गाइस, मंथ एंड चल रहा है, मेरे को फिल इन करना है, वापस से रीफिल करना है, तो इसलिए ये काफ़ी सारे खाली भी हैं. तो ये है हम लोगों का स्पाइस जार रैक.
सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली बात करना है आपके मेकओवर से रिलेटेड, या आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, या किसी भी और एक्सपायर जेड टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं फेस टू फेस. ऐप का नाम है बोलो ऐप. तो इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आप मेरे साथ टाइमिंग्स जो है वो स्लॉट टाइमिंग्स होती है वो आप बुक कर लीजिए कि कौन सी टाइमिंग्स अवेलेबल है, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन आऊंगी और आप लोगों से फेस टू फेस बात करूंगी. और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जितनी भी देर आप बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे. तो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. और तो यस, सारी चीजों की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी इफ इन एनी केस यू वांट टू बाय इट. और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.